आप नोटिस करना, जो लोग दूसरों को जेलेसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी जज करते हैं, जिनके अंदर खुद डर होते हैं, जो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस करना वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं रहते, वो वहीं के वहीं अटके रहते हैं पूरी जिंदगी। वो इसलिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आपको खुद के बारे में स्टडी करनी चाहिए, क्यों आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देर के आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मेरे जो गोल्स हैं वो अचीव ही नहीं हो पा रहे थे। क्यों? उस टाइम पे आई वॉज फुल ऑफ एंग्जाइटी, वरी, डिप्रेशन, फियरफुल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। तो इस वजह से जो नेगेटिविटी थी ये मेरे अंदर ही, मेरे को कभी आगे जाने दे नहीं रही थी, और जो मेरे गोल्स थे वो अचीव ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैंने स्कूल और कॉलेज में कभी सीखा नहीं था कि मेरा दिमाग किस तरीके से काम करता है और मैं कैसे अपने माइंड को अपने फेवर में काम करा सकता हूँ। ऐसे ही आप जो व्यूअर्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे लोग हैं, उनके कुछ गोल्स होंगे लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये चीज सीखी नहीं है कि उनका खुद का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने फेवर में काम करा सकते हैं और वो गोल्स अचीव कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाना चाहता हूँ। मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको ए डेस्टिनेशन से लेकर बी डेस्टिनेशन तक जाना है, और मैं आपको बोल दूँ कि आपको ट्रक चला के जाना है और वो ट्रक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो आप ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पर आराम से कट वगैरह मार के बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपको ट्रक चलाना नहीं आता होगा, जो कि बहुत पावरफुल है, जो आपको बहुत जल्दी ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है, लेकिन आपको ट्रक ही चलाना नहीं आता, तो क्या होगा? आप कभी रिवर्स करते हुए किसी को ठोकोगे, कभी आगे जाते किसी को ठोक दोगे, कभी लेफ्ट में ठोकोगे, कभी राइट में ठोकोगे, ऐसे करते करते आप इतनी बार ठुक जाओगे कि आप बीच में क्विट कर दोगे, ट्रक की ऐसी तैसी हो जाएगी और आप आगे जा ही नहीं पाओगे और अपनी डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ऐसा ही कुछ होता है, जब आपको अपना माइंड चलाना नहीं आता तो क्या होता है, पहले तो आपको नेगेटिविटी पीछे खींचती है। तो अगर आपको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप आगे बढ़ने की जगह वो नेगेटिविटी आपको पीछा खींचती है। कभी आप किसी को जज करने के लिए वहां पे रुक जाते हो तो आपकी स्पीड स्लो रहती है, कभी किसी से आप गुस्सा हो जाते हो, कभी किसी से आप नफरत करते हो, कभी किसी से आप नेगेटिविटी पाल लेते हो, कभी किसी से आप नफरत पाल लेते हो, कभी आपको डर आगे बढ़ने से रोक देता है, कभी आपको फेलियर का डर आ जाता है, कभी आपको रिजेक्शन का डर आ जाता है। तो ऐसे करते करते आप इतनी बार ठुक जाते हो कि आप बीच में ही क्विट कर देते हो और आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, तो आप अपनी ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाते। अब यहाँ पे चाहे माइंड कितना भी पावरफुल हो, अगर उसका ड्राइवर को चलाना ही नहीं आता गाड़ी किस तरीके से चलाती है, तो चाहे गाड़ी कितनी भी पावरफुल हो, वो उतनी स्पीड से और उतनी जल्दी वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है वहां पर पहुंचने की। तो अगर मान लो आपको माइंड अपना चलाना आता तो क्या होता, आप आराम से कट वगैरह मार के स्मूथली ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते, बी से सी, सी से डी, और ऐसे करते करते आप जेड पे पहुंच जाते जहां पे आपको पहुंचना था। तो वही होता है, जब हमारे को अपना माइंड चलाना नहीं आता तो वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जेलेसी, एनवी, फियर, नेगेटिविटी, फियर, रिजेक्शन, ये सारी चीजें हमारे को आगे बढ़ने से रोकती है। तो कभी भी आपको अपना माइंड अगर नहीं चलाना आता तो आप अपनी उस तेजी से उतनी जल्दी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे जिसके आप कैपेबल हो, चाहे आपका माइंड फिर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो इसलिए आपको अपना माइंड चलाना सीखना चाहिए। अब ज्यादातर लोग स्कूल सिस्टम से या एजुकेशन सिस्टम से कभी सीखते ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद के बारे में, खुद के माइंड के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो कभी सीख ही नहीं पाते कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो अपने दिमाग को अपने फेवर में काम करा सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सारे गोल्स और जो भी वो अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि वो कभी सीखते ही नहीं है, स्कूल और कॉलेज में कभी सिखाया नहीं जाता, खुद वो कभी सीखते नहीं है। तो अगर आपको अपना दिमाग चलाना सीखना है तो आपको अपने बारे में पढ़ाई करनी होगी। यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ अपॉन योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में सीखना होगा कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है। एक बार आप उसके बारे में स्टडी करने लगोगे, आपको पता लगेगा कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है और कैसे आप अपने माइंड को इस्तेमाल करके अपने फेवर में काम करा सकते हो और कैसे आप ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे बहुत ही स्मूथली और बहुत ही क्विकली पहुंच सकते हो, ऐसे फिर बी से सी पे, बी सी से डी पे। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपको सीखना है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है और कैसे उसको अपने फेवर में आप काम करा सकते हो, और वो है बाय एजुकेटिंग योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में स्टडी करनी होगी, अपने माइंड के बारे में स्टडी करनी होगी, तब आप जाके आपको ये पता चलेगा कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है और कैसे इसको आप अपने फेवर में काम करा सकते हो। और ये चीज़ आपको स्कूल सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में या फिर कॉलेज में ये चीज़ नहीं सिखाई जाएगी। अगर ये चीज़ आपको सीखनी है तो आपको खुद सीखनी होगी। आप नोटिस करना, जो लोग दूसरों को जेलेसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी जज करते हैं, जिनके अंदर खुद डर होते हैं, जो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस करना वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं रहते, वो वहीं के वहीं अटके रहते हैं पूरी जिंदगी।
वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो माइंड है कॉन्स्टेंटली उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको खुद के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, समझना चाहिए दिमाग किस तरीके से आपका काम करता है और कैसे आप अपने माइंड को अपने फेवर में काम करा सकते हो। और ये चीज आपको एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आज आपका इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कीमती सुझाव है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।